subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया। इस वक्त COVID-19 ने बहुत सी चीज़ों को बहुत तब्दील किया है और उस तब्दीली के साथ साथ लोगों की रूटीन और लाइफ में एडजस्टमेंट के ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर एक मैसिव इंटरैक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ डिफरेंट जनरेशन्स की एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कैसे चलती है और वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं जिनको लेके लोग चलते हैं। जब भी बात होती है मुस्लिम कम्युनिटी की, उसमें रमज़ान के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ईद मेले, जिसके लिए टोरंटो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ पे दुनिया के बेहतरीन ईद मेले किए जाते हैं और उन ईद मेलों में ख़ास तौर पे चंद नाम बहुत नुमाया हैं जो हमारी कम्युनिटी में बहुत अरसे से बहुत सी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं शहला जाफरी और उनके हस्बैंड, दोनों ही मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अरसे से कम्युनिटी के अंदर ये काम कर रहे हैं। आप दोनों को मेरे शो में वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। चलो आपसे बात शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी चेंज है, कोविड ने खास तौर पे लोगों को अंदर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी सोशल गैदरिंग इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे टोरंटो में जो ईद मेलों की एक ख़ास नीच डेवलप थी, जो पूरी दुनिया में बहुत जानी पहचानी जाती थी, उस पे क्या असर पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि असर तो हर चीज़ पे पड़ा, लेकिन ऑफकोर्स जो हम लोग, यानी कि मैं और अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, टीम ऑफ टू इवेंट्स जो लेकर आते हैं, उसमें ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल होता है, जो कि कभी 11 दिन पे मुश्तमिल होता है, कभी 10 दिन पे, कभी 8 दिन पे। इस दफ़ा 10 दिन पे था और उससे क्या है कि हमारी कम्युनिटी में स्मॉल बिजनेसेस को बहुत फ़रोग मिलता है और इसका इतना असर पड़ा है। हलीमा, मैं आपको बताऊं, और इट्स गुड कि मैं टैग टीवी के थ्रू ये बात लोगों तक पहुँचा रही हूँ मैसेज, कि इसमें देखें 10 दिन में हमारे पास टोटल, हमें जो दुकानें वहाँ बनती हैं, तकरीबन 500 टू 550 दुकानें हम फुल करते हैं, जिसमें से 400 बुक हो चुकी थी हमारी। तो और वो सारे वो लोग हैं जो कि अपने घर को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऑफ़ कोर्स इट्स एन ऑनर, बड़े बड़े नाम भी होते हैं, लेकिन आई एम सो प्राउड कि स्मॉल बिजनेसेस को हम सपोर्ट कर रहे थे। और वो कल मेरी एक वेंडर से बात हो रही थी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपके सवाल का, कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इंशाल्लाह बताइए कि ये ईद फेस्टिवल हमारा चल रहा है, क्या होगा। मैंने कहा देखें, वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस और इंशाल्लाह मई में तो हालात है। कहने लगी कि शाला, मैंने जितना था मेरे पास मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कि मुझे पता था कि इन 10 दिनों में मैं इतना कमाऊंगी कि मैं अपनी ज़रूरियात काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा पूरी करूंगी टू सपोर्ट माय फैमिली। एंड बहुत परेशान थी, तो बहुत देवर लुकिंग फॉरवर्ड, नहीं इंटरनेशनल बेसिस पे इकोनॉमिकल अफेक्ट हमारे इस ईद फेस्टिवल के COVID-19 से असरअंदाज होने से असर हुआ है सब पे, फाइनेंशियली भी और जहनी तौर पे भी जो है ना डिस्टर्बेंस हुई है। तो कुछ लोग इस वक्त हमारे जो हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और डिफरेंट जगहों पर स्टक हैं एज ए ट्रैवलर, जो कि सामान लेकर आते थे। तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी में भी फ़र्क पड़ा है इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल से के कैंसिल होने से। ये इंशाल्लाह ईद उल अधा पे हम वापस आएंगे, लेकिन फैमिलीज जो हमारे साथ अटैच्ड हैं वो अपने आप को जिस तरह से घर को सपोर्ट करती थी, और उनमें से कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनको कि हम सपोर्ट करते थे, कि उनको हम दुकानें देते थे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, वो आर दे वर अनेबल टू अर्न एनीवेयर एल्स।
आई होप कि इन सब लोगों का फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है और जो आगे मुश्किलात आने वाली हैं उसके लिए कुछ कर सकें, कुछ किया जा सके और मुश्किलात आसान हो। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल जो है वो सिर्फ इसीलिए सजाया जाता था स्पेशली कि हमारा कल्चरल इवेंट है, हमारा रिलीजन से भी इसका ताल्लुक है और इकनॉमिकली भी इट वाज अ ग्रेट इवेंट, तो बहुत असर इसका पड़ा है। अहमद भाई आपकी तरफ आती हूँ, आप इस मेले के ख़ास तौर पे बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी के साथ इसको चलाते थे, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की, जो लोग बहुत मोटिवेट होते थे, बिजनेस जनरेट करते थे, उनको साइकोलॉजिकली इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ, आपने क्या महसूस किया और क्या इसकी कोई कंपनसेशन पॉसिबल है या हो या हुई या नहीं? आपने बड़े अच्छे सवाल किए। देखिए, सब कुछ तो शैला ने आपको वजाहत कर दी और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। इकनॉमिकल इफ़ेक्ट जब होता है किसी पर, सबसे पहली चीज़ आपके साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और बिकॉज ऑफ द इकनॉमिकल इफेक्ट इट्स ह्यूज साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, दे आर रियली वरीसम एंड दे आर कॉन्स्टेंटली कॉलिंग अस कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब ईद उल फितर तो मुमकिन नहीं नज़र आ रही, ईद उल अधा की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद है कि ईद उल अधा जो है वो हो सकता हो विद सम रिस्ट्रिक्शंस, बाइंडिंग्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी हुआ उसको मद्देनज़र रखेंगे हम लोग, और अगर इस चीज़ की इजाज़त हुई तो करेंगे ज़रूर। देखें, ये चीज़ें जो है बहुत रियली इनके दूररस नतायज होते हैं, और इस चीज़ ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, और अब जो आने वाला आप ये देखिए कि गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सपोर्टिव है, ख़ास तौर पे कनाडा के अंदर स्मॉल बिजनेसेस को कंपनसेशन बहुत दी गई और उसके साथ साथ स्मॉल लोन्स दिए गए। तो क्या आप समझते हैं कि वो लोग जो इन मेलों के थ्रू अपना बिजनेस, अपने बिजनेस नेटवर्किंग करते थे या बिजनेस जनरेट करते थे, उनको कुछ फ़ायदा हुआ? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, डेफिनेटली होना चाहिए, रजिस्टर्ड बिजनेसेस को ज़रूर सपोर्ट होनी चाहिए, और जैसा कि गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हैं, ये तो वो लोग देख सकते हैं कि वो कितने फॉलो कर रहे हैं, उन कंडीशंस पे पूरे उतर रहे हैं। बट दिल से हम यही चाहते हैं कि उन लोगों की किसी तरह से हेल्प हो। अभी भी वी आर रेडी, क्योंकि अगर मे में ये कहते हैं कि भाई रिस्ट्रिक्शन के साथ खुल सकते हैं, तो वी हैव अ प्लान टू डू, वी हैव अ वेरी सेफ्टी प्लान, सोशल डिस्टेंस एंड हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये अहमद अंशाला जाफरी की ये कोशिश है कि हमारे जितने भी हमारे वेंडर्स हैं जो कि यहाँ पर रोज़ी कमाने आते थे और ईद की खुशियों को दुबला करने आते थे, वो आ सकें, और नहीं तो ईद उल अधा पे भी अगर हमें अलाउ किया जाएगा, ये सिटी अलाउ करती है, फेडरल गवर्नमेंट का प्लान होता है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी उसके साथ हम इसको कंडक्ट करेंगे। कंपनसेशन का ज़्यादातर ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं, यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल, फेडरल और प्रोविंशियल, एंड इंशाल्लाह ताला जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि यस दे आर गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट टू। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सैलाब आ चुका है इस वक्त, और हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू हो रही है और पॉसिबल है और लोग कर रहे हैं, तो आपके इस तमाम शो का कोई हल आपने कम्युनिकेशन के थ्रू ढूंढा, या आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे, या आप सोचते हैं, या आपकी कोई प्लानिंग है? हाँ, प्लानिंग हम लोगों की है वो इस तरह से कि हो सकता है कि हम उनको कोई ऐसा वेन्यू ऑनलाइन, इस पर अभी काम हो रहा है हलीमा, कि अगर हम ऐसा कर सकें, लेकिन ये कि इट्स अ वेरी लाइक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए इसके लिए, और द टाइम इज़ शॉर्ट क्योंकि मई में है, तो लेकिन वी आर थिंकिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि कैसे किया जा सकता है इसको, और मशवरे ले रहे हैं हम लोग, एडवाइजेज ले रहे हैं, क्योंकि होता है प्रोसेस, तो वी हैव टू एडजस्ट समथिंग।
एंड आई लव माई वेंडर्स, क्योंकि हमारे साथ जो लोग आते हैं वो 10-10 साल से, 15-15 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आई वुड रियली वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट. वैसे जो न्यूज़ आ रही है जिस तरह से ग्लोबली अगर देखा जाए और लोकली भी, वेरी इंकरेजिंग, और उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ें जो है सिलसिला इसका जो है एक स्मार्ट वे में इसको मूव ऑन किया जाएगा. वेरी वेल पुट इन, स्मार्ट वर्ल्ड इज होपिंग टू गेट स्मार्टर वे टू हैंडल इट. चलिए अब आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस की तरफ आते हैं. इस तमाम स्मार्ट दुनिया में जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ने बैशिंग कर दी है, चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं और कहा जा रहा है कि फ्यूचरिस्टिकली हम लोग अब बहुत चेंज हो रहे हैं और ये इनिशियल स्टेप्स हैं हमारी चेंज की तरफ, तो आपके जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है उस पे क्या इम्पैक्ट है और उसमें आपने क्या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज की है या आप अभी वैसे ही कन्वेंशनल तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, टेक्नोलॉजिकल चेंज है उसके ज़रिए कि अब जैसे लास्ट नाइट आई हैव मीटिंग, वो हमने मीटिंग की किस पे, जैसे अब मैं और आपसे मीटिंग कर रहे हैं, एक ज़माना था मैं आपके स्टूडियो में आता था ना, इसी तरह से ऑनलाइन डिड इट, लिस्टिंग भी की एंड प्रेजेंटेशन भी हुई. और सो इस टेक्नोलॉजी को फिर के वर्चुअल टूरिंग जो होती है, किसी को घर चाहिए देखना है तो वहाँ पर एक तो पर्सनल शोइंग्स भी कंटिन्यू है, वो इस लिहाज से कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड के पेश नज़र उनको मद्देनज़र रख उनको फॉलो किया जाता है, शोइंग पॉल्यूशन से उसी तरह से हम शोइंग भी करा सकते हैं, उससे पहले हम उनको एक वर्चुअल टूर जरूर दे देते हैं. तो ये टेक्नोलॉजी इज देयर एंड वी आर यूजिंग इट ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑन एंड इज वेरी वेल डन और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग रियल स्टेट. लास्ट ईयर से इस साल की सेल्स भी डाउन हुई, लास्ट ईयर से इस साल को कंपेयर किया जाए तो लिस्टिंग्स भी कम आई है मार्केट में, लेकिन लिस्टिंग के कम आने से लोगों में एक जज्बा, यार घर तो लेना है ना, तो दे गो अराउंड और जो भी उनको चीज़ मिलती है वो कहते हैं कि यार हु नोज नेक्स्ट, लेट्स गेट इट. Actually, और we are doing it online and we are really enjoying it. We are enjoying it क्योंकि एक different venue खुल गया है काम करने के लिए, yes. जो कि हमें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है. तो मैं और अहमद जो है ना इसको काफी अच्छी तरह से adjustment करना चाह रहे हैं जो system अब चल रहा है, क्योंकि world wide अब इसी तरह जब तक कि हम इस पे काबू नहीं पा लेते follow करें rules and regulations को और अपनी safety को और smart way में चले और टेक्नोलॉजी को यूज करें. नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, यकीन करें इसको लर्न करें, इससे फायदा उठाएं. अब देखिए ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था, स्काइप पे बैठा हूँ. वर्ल्ड इज सो कनेक्टेड, वर्ल्ड इज सो स्मॉल एंड सो कनेक्टेड. चलिए अब हम थोड़ी सी बात इस तरफ से हटा के एक और तरफ लेके जाते हैं, वो है स्कूलिंग. इस वक्त जो सबसे बड़ा जिस पे बात बहुत ज़ोरों शोर से बहुत पहले भी होती रही, टीचर्स की स्ट्राइक्स भी थी, एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर भी बात थी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं इस वक्त आपकी फैमिली के अंदर, यू आर ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपका क्या तजर्बा है इस सिलसिले में कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है या ये एक टेम्प्ररी चीज़ तो ठीक है लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रखती बच्चों पे? देखिए मैं आपको बताऊं कि आज सुबह ही मुझे, क्योंकि मेरे जैसा शाला ने कहा डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं तो वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे. शाला ने मुझे जनाब कैमरा सेट करके बकायदा मुझे बताया कि मिसेस आगा में वो बैठे हैं, हम ब्रैम्पटन में बैठे हैं, मैं अपने बच्चों को देख रहा था ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, वो कंप्यूटर रखा हुआ है सब कुछ है. देखिए ये शॉर्ट मेरा पर्सनल ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है लेकिन पर्सनल टच जो होता है वो बहुत अहमियत रखता है. तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा दिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं इस तरह से रहेगा. वैसे तो देखिए कुरानी तालीम जो है वो पाकिस्तान में बैठ के मौलाना साहब यहाँ बच्चों को तालीम दे रहे हैं या कहीं बैठ के कहीं दे रहे हैं, तो वो भी सिलसिला चल रहा है, नेट के ऊपर बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऑन गोइंग एजुकेशन सिस्टम जो है जिस तरह से स्कूलों का है वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, करिकुलम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं, इसीलिए मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म्स के लिए तो इट विल बी वेरी टफ. और टू मी जितना जल्दी ये
सुधर जाए सब हालात उतना ज्यादा देखिए बेहतर। हलीमा, मजबूरी है हाँ और हमें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू एटलीस्ट वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, फिट और फिर फेस टू फेस और पर्सनली जो वहाँ पर मौजूद होके स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, सोशली जो है आपका बिहेवियर जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं बच्चों के, लेकिन ऑफकोर्स देर इज़ नो अदर चॉइस, एटलीस्ट दे आर लर्निंग, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, और थैंक गॉड के ये कोविड टेक्नोलॉजी काम नाइनटीन आ रही हाँ है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मैं है हलीमा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है मे बी आई डोंट नो आई कैन नॉट से द नंबर बट जस्ट रफली मे बी 2% लोग ऐसे हों, आजकल की दुनिया में तो सबके पास है लैपटॉप है घर में कंप्यूटर्स हैं, फिर भी जैसे वेलफेयर पे है पेरेंट्स बच्चे तो उन लोगों के पास मे बी ये फैसिलिटी ना हो, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या किया जाएगा, वो किस तरह स्कूलिंग को अटेंड करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों में कंपटीशन की वो जो एक जज्बा होता था ना, वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा कम हो जाएगा, और टीचर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इमोशनल सूदिंग के लिए और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए आप सोशल स्किलिंग सीखते हैं, ये बहुत डिफरेंट तरह की सोशल स्किलिंग है जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, लेकिन फिजिकल सोशल स्किलिंग कुछ और होती है, उसका कुछ और ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं शायद। लेकिन आप ये बताइए कि जो छोटी उम्र के आपके घर में किस एज ग्रुप के बच्चे मौजूद हैं? 5-6 साल की मेरी ग्रैंड डॉटर है और शी इज़ गोइंग ऑनलाइन, शी इज़ अटेंडिंग द स्कूल एंड आई वॉज वॉचिंग, उनको मैं वीडियो पे वॉच कर रही थी कि वो टीचर्स किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्या, लेकिन ऑफकोर्स के घर में रह के माइंड सेट वो नहीं हो पाता, तो लेकिन आई एम स्केयर्ड कि ऐसा ना हो कि हम इसको सिस्टम हमारा इसको जो है ना वो अपना ले, परमानेंटली ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, परमानेंटली आप इसके हक में नहीं हैं। लेकिन क्या आप देखते हैं किंडरगार्टन के बच्चे जो, और ख़ासतौर पे हमारा जो वेदर है उसमें अंदर रहना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है ब्रेन के साथ साथ, मेरा ख्याल है आपका बॉडी जो है बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ये तीनों चीज़ें कंबाइंड हों तो चीज़ें चलती हैं, तो क्या बच्चे फिज़िकली एक्टिव हो पाते हैं उस तरह जितनी की ज़रूरत है, या ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है इस वक्त? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इस वक्त बहुत मुश्किल हो पेश आ रही है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं ऑफकोर्स के उनको छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा है, दे आर टेकिंग देयर टाइम आउट एंड दे आर एक्चुअली, मैं कह रही थी अपनी फिजिकल एक्टिविटी से दूर होते हाँ, जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी से ऑफकोर्स दूर होते जाएंगे क्योंकि घर में फैमिली में ब्रदर सिस्टर कितना एक दूसरे के साथ, और वो एक डिफरेंट सेटअप होता है, तो उसमें मैं ये देख रही थी, मैं अपनी डॉटर इन लॉ से कह रही थी एक्चुअली तुम्हें भी स्कूल जो है ना स्कूलिंग की दोबारा से तुम्हें मिलना चाहिए कि तुमने ग्रेड 1 कर लिया ग्रेड 2 कर लिया क्योंकि दे आर लर्निंग एट द सेम टाइम, मगर कि एटलीस्ट वी आर हैप्पी वी आर सेटिस्फाइड कि वी आर एबल टू डू थिंग्स इन दिस सिचुएशन एंड विद द टेक्नोलॉजी, और बस सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ेगा इस वक्त आपको बताऊं फिजिकल एक्टिविटीज और बिहेवियर जो है उसके पर बच्चों के फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि अगर ये ऑन एंड ऑफ इसी तरह सिचुएशन रहती है तो आपके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनका कोई और अल्टरनेट नहीं मौजूद, या आप कोई उसके ऊपर प्लान रखती हैं ढूंढने का? हम ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल ढूंढ रहे हैं और कोशिश हो रही है, जैसे हम इस वक्त स्काइप पे हैं या जूम पे आए तो कुछ ना कुछ जरूर अरेंजमेंट होगी, ऑनलाइन बाजार सेट करेंगे, बाजार सेट करने के लिए फेस्टिवल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंटरनेशनली बड़े सारे मार्केट्स जो हैं वो अब ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, कनाडा के बहुत से स्टोर्स जो हैं वो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट के बहुत से स्टोर्स जो हैं वो अब ऑनलाइन आ गए हैं, यानी आप जस्ट ऑर्डर करें, आप देखें चीज़ प्रोडक्ट को और ऑर्डर करें, लेकिन इसमें फिर अगेन हमारे क्योंकि हमारे मुल्कों में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो लोगों की इंटरेक्शन के बगैर ये चीज़ें बहुत अजीब सी भी लगती हैं, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, और उसमें एक चीज मैं ये कहूंगी कि हम अपने कल्चर पे अगर बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं बार्गेनिंग बहुत होती है, कंपटीशन बहुत है, वो मुश्किल हो जाएगा ऑनलाइन।
लोग बार्गेन नहीं कर सकेंगे, लोग वो जिसको कहते हैं कि टेस्ट बड्स, वो वाला टेस्ट नहीं ले सकेंगे जिसकी जरूरत है। एनीवे लास्ट मिनट शॉपिंग पे होता है कि भी गुड डील्स मिल रही हैं, तो बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड वो जो होता है हम लोगों का फेस्टिवल का, 10 दिन 11 दिन, उसमें तो वो एक डिफरेंट सेटअप होता है हलीमा, कि पहले जो है ना वो ऑफकोर्स डिज़ाइनर्स की चीज़ें जो होती हैं कम चॉइसेस होती हैं निकल जाती हैं, देन आखिर तक आते आते वो प्राइजेस जो होती हैं वो डाउन भी होती हैं क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें चीज़ें साइजेस और चीज़ें बाकी नहीं रह जाती। तो लेट्स सी, ये लर्निंग का एक्चुअली हम लर्न कर रहे हैं हर चीज़ के कैसे ये सिस्टम को हम अपनाएंगे, और एज आई सेड के मुझे लगता है कि अब दुनिया इसी सिस्टम को अपना लेगी क्योंकि इसमें आपके एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। देखें माइंड दिस थिंग के एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं इसमें आपका, और आपकी टाइम जो है ना वो एक दफा सेटअप हो गया और ऑनलाइन आप कर ले। लेकिन फिर वही बात है कि फिजिकल इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं, बात करते हैं, इट वाज अ फेस्टिवल, इट इज अ फेस्टिविटी थिंग जो है ना वो खत्म हो जाएगी अगर ये नहीं हो सकेगा। तो फेस्टिवल को मनाने के लिए तो यू हैव टू सेलिब्रेट थिंग्स टुगेदर, वो कैसे यू हैव टू सेलिब्रेट थिंग्स टुगेदर, यू हैव टू गेट टुगेदर टू हैव द इमोशनल सूदिंग फ्रॉम ईच अदर एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स to each other. So for feelings you have to be there physically also. Anyways, aaj aap se guftugu karke bahut maza aaya, aapki guftugu se aapke pure usse logon ko I'm sure ek knowledge mila hoga. Aaj ke is program mein shirkat karne ka bahut bahut shukriya. बहुत शुक्रिया हलीमा, बहुत अच्छा लगा अपने थॉट्स हमने एक्सचेंज किए, और आई थिंक तमाम लोगों के भी ऐसे ही थिंकिंग्स होंगे इंशाल्लाह, एवरीथिंग विल बी गुड एंड आई होप आई विश यू द बेस्ट, यस दैट एवरीथिंग गोज वेल एंड वेरी सून वी कैन सी ईच अदर एंड वी कैन मीट ईच अदर इंशाल्लाह। थैंक यू। अभी आपने हमारे साथ गुफ्तगू सुनी अहमद जाफरी और शहला जाफरी की, जो कि हमारे कम्युनिटी के बहुत ही जाने पहचाने लोग हैं। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।